दोस्तों नमस्कार, HRI न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खबर इस समय की आपके लिए लेकर हाजिर हैं। जी हाँ दोस्तों, देश की एक और संस्था की विश्वसनीयता संदेह के दायरे में आने वाली है। खबर है कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के पदाधिकारी राजेश्वर सिंह जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अब खबर यह भी है कि राजेश्वर सिंह आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, अब ईडी और सीबीआई के अधिकारी जो कि अपनी सेवाएं देश के लिए दे चुके हैं और अब वह बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ेंगे और जल्द ही भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। इससे यहां पर मिलीभगत साफ तौर पर देखी जा सकती है ईडी और सीबीआई के बड़े अधिकारियों की बीजेपी नेताओं के साथ। देख सकते हैं दोस्तों, वैसे में ईडी जैसी महत्वपूर्ण जांच एजेंसी के पदाधिकारी किसी भी राजनीतिक दल से जुड़कर चुनाव लड़ेंगे तो फिर कितनी विश्वसनीयता इन एजेंसियों की बचेगी, यह अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। वैसे भी देश की न्यायपालिका भी कई बार इन जांच एजेंसियों को पिंजरे का तोता करार दे चुकी है और अब देश की जांच एजेंसियों पर से लगातार आम लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। ये बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है। खबर को लेकर आपकी क्या राय है बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।